सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेडी ऑनलाइन टेक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने हैं प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना 2020 के बारे में। दोस्तों, तो प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना है क्या दोस्तों, और इसमें आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों, बने वीडियो में लगातार। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के लिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद वहाँ पर ऑल सेलेक्ट करें, ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी वीडियो आपको मिलती रहे बराबर। तो यहाँ बात करते हैं दोस्तों धनलक्ष्मी योजना के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा देश की महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो की है। इस योजना का उद्देश्य भारत के देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी पात्र महिलाओं को व्यवसाय रोजगार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन मुहैया करेगी। यह लोन केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई बड़ी योजनाओं में से एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें देश के महिलाओं को विशेष लाभ देने के लिए शुरू की गई है। यह योजना देश के महिलाओं के बीच सबसे ज़्यादा चर्चे में है। आज के इस पोस्ट में हम आपको जो है पूरी की पूरी जानकारी इसी के बारे में देंगे। तो देखिए दोस्तों, धनलक्ष्मी योजना 2020 की शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई। भारत में ऐसे बहुत सी महिला हैं जिन्हें अपना खुद रोजगार शुरू करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को शुरू किया है। प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना के अंतर्गत देश के महिलाओं को अपना खुद का रोजगार व्यवसाय शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक का लोन मुहैया किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। तो बात करते हैं दोस्तों इसका जो है धनलक्ष्मी योजना के लाभ। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। देश की गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। सरकार द्वारा दिए गए धन के लिए आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। पीएम धनलक्ष्मी योजना 2020 के तहत आवेदक महिला की आयु केवल 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर यदि किसी महिला के नाम पर कोई संपत्ति है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इस योजना के तहत दिए जाने वाले 5 लाख रुपये का ऋण 30% पर 0% पर दिया जाएगा। आपको 30 साल में इस सरकार को यह कर्ज चुकाना होगा दोस्तों। तो 30 साल का समय काफ़ी लंबा होता है, तो यहाँ देख सकते 30 साल का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। तो यह योजना महिलाओं को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करेगी। तो यहाँ देख सकते दोस्तों प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना के दस्तावेज जो है कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। बात करते हैं, आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए। आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि दोस्तों आपका आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर लिंकिंग जरूर होना चाहिए। यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए। बैंक खाता पासबुक होना चाहिए। मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, फिर लिंक पर क्लिक करते ही यहाँ पे होम पेज पर धनलक्ष्मी योजना रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक खुलेगा। तो आपको, चलिए दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको आवेदन कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, इसकी ऑफिशियल साइट पे चलते हैं। तो इसके ऑफिशियल साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों। तो देखिए तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, भारत सरकार, यहाँ देख सकते हैं कि पूरा का पूरा आपको यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके का इंटरफेस देखने के बाद दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन इसमें कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो है ये आधिकारिक वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है कोई भी ऐसा लिंक दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक। तो यहाँ पे यानी कि अभी तक उस लिंक को जो है जारी नहीं किया गया है दोस्तों ऑनलाइन करने के लिए। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हम मेनू बटन पर आते हैं, यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करते हैं। तो मेनू बटन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ देखिए स्कीम का ऑप्शन मिल जा रहा है, तो इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये भी ऑप्शन जो है ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से जो है कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे कोई नया ऑप्शन आता है तो इसके बारे में आपको वीडियो बना करके ज़रूर सूचित करूँगा। तो यहाँ से देख लेते दोस्तों इसका ऑफलाइन प्रक्रिया क्या है, कि ऑफलाइन जो है आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफलाइन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो है आवेदन करने के लिए आपको अपने सभी दस्तावेजों को लेकर के अपने नज़दीकी जिला स्तरीय समुदाय केंद्र में जाना होगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि नज़दीकी जिला स्तरीय समुदाय केंद्र में जाना होगा, वहाँ पर जा करके आपको आवेदन फार्म को जो है लेना होगा, उनसे बोलना होगा कि हमें जो है
धनलक्ष्मी योजना का फॉर्म चाहिए। इसके बाद ही आप देख सकते हैं आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी, वहाँ पे नाम पता आयु जन्मतिथि आदि भरकर आवेदन फॉर्म को और दस्तावेज के साथ जो है अटैच करके अपने जिला स्तरीय समुदाय केंद्र के अधिकारी के पास जमा करना होगा। इस तरीके से आप जो है आवेदन ऑफलाइन कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों ऑनलाइन प्रक्रिया चालू होती है तो इस मैं आपको वीडियो के द्वारा सूचित कर दूंगा। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप धनलक्ष्मी योजना का लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया जो है शुरू होगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा वीडियो के माध्यम से कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो दोस्तों ये रहा धनलक्ष्मी योजना के बारे में छोटी सी जानकारी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो मिलते दोस्तों अगली वीडियो में नई जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।